सर, हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ म्यान है, तलवार नहीं है। ये चुप बैठ, इग्नोर हिम सर, ये अपना लोकल जेम्स बॉन्ड है। बेटा, दूसरों की नौकरी और अपनी अकल सबको अच्छी लगती है, जा अपना काम कर। और सर इतना ही नहीं, हाईलाइट सुनिए, इसे लगता है ये गब्बर तक पहुंच गया है, बस अब पकड़ ही लेगा। So you will never be able to catch Gabbar now. ए फिरंगी, चुप कर, वरना डिसमिस कर दूंगा। अबे जाना, क्या डिसमिस, भाड़ में गई नौकरी, मैं खुद रिजाइन करता हूँ। आई रिजाइन, मुझे भी ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना जहाँ तुम जैसे एरोगेंट ऑफिसर्स घूमते हो। ए साधु। क्या साधु? सर इनको लगता है गब्बर चाय समोसे की तरह इनकी टेबल पे आ जाएगा। गब्बर कोई मामूली किडनैपर नहीं है सर, वो एक मिशन पर है, वो खुद एक मिशन है। तो भाई कांस्टेबल हो, कांस्टेबल हाँ, और क्या जानते हैं उसके बारे में? सर ये देखिए, नांदेड़ तालुका के ऑफिसर्स की लिस्ट। एक्सीलेंट जॉब साधु, 90% केस तो तुमने सॉल्व कर दिया है, लेकिन तुमने किसी को बताया क्यों नहीं अब तक? सर मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। Then let's go for a drive, साधु। ना तो पुलिस इस गेट के अंदर आ सकती है और ना ही गुंडे। ये हमारे नेशनल कॉलेज का रूल है सर। इस दिस सम काइंड ऑफ जोक? मेरे आने से पहले खाली नहीं करवा सकते थे ये? मुझे क्या देख रहे हो, खाली करवाओ सब। सर रहने दीजिए, बड़ा स्टूडेंट इशू बन जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट सब येड़े हैं सर। ओके, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो बाहर है उनको तो अंदर कर सकते हैं ना। लिस्ट निकालो अपनी, अरेस्ट करो सबको। यस सर। गब्बर के डर से अब पाटिल के सारे प्रोजेक्ट्स इलीगल लग रहे हैं, पूरी रियल एस्टेट लॉबी परेशान है आप लोगों की वजह से। गब्बर का स्टाइल पसंद है तो वो ही सही। गब्बर ने अपनी बात मनवाने के लिए 10 करप्ट ऑफिसर्स को उठाया, मैंने 10 ईमानदार ऑफिसर्स को उठा लिया। तुम में से सबसे बड़ा ईमानदार ऑफिसर कौन है? चलो, नाम क्या है तुम्हारा? जी सागर पंडित। सागर पंडित। क्या पैसे से परहेज है? बीवी कोई मांग नहीं करती, ये चाहिए वो चाहिए, ईमानदारी का मेडल चाहिए? हाँ, मेरे काम का नहीं वो
उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं। रिश्वत ली तो गब्बर मार देगा, ना ली तो। अरे वाह ऑफिसर्स, अब तो काम करवाने के लिए पैसे देने की जरूरत ही नहीं, बस डर का डोज ही काफी है। ये लोग सुबह से कुत्तों की तरह मार खा रहे हैं और एक शब्द नहीं निकल रहा किसी के मुंह से। क्या जवाब दूंगा मैं होम मिनिस्ट्री को? किसी के पास कोई आइडिया है कैसे पकड़े इस गब्बर को? एनीथिंग सावंत, पंत सर? समय है सर, गब्बर को पकड़ने के लिए गब्बर की तरह सोचना पड़ेगा। बैठो दादाजी। किसको? मैंने कहा ना बैठो, बैठो। जी सर। यादव जी सबके लिए चाय बुलवा दो। तुम पियोगे? यस सर। एक इसके लिए भी। हाँ क्या कह रहे थे सर? अगर मैं गब्बर की जगह होता तो जरूर दिग्विजय पाटिल के पीछे भागता। क्यों? दो दिन पहले सागर पंडित नाम के एक ऑनेस्ट ऑफिसर को उसने मारा है सर, क्योंकि उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया था। बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ। लेकिन सर सबको पता है ये काम उसी ने किया है। राइट सर, दिग्विजय पाटिल भी यही चाहता है कि लोगों में उसका डर बना रहे, लेकिन गब्बर उसे सजा जरूर देगा सर। बुरे लोगों को खत्म करने निकले तो बुराई चार कदम और आगे निकल गई। सागर वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर्स इन हिज डिपार्टमेंट सर। बहुत बेरहमी से मारा है पाटिल ने सर उसे। सर हम लोग दिग्विजय पाटिल को अरेस्ट करें या प्रोटेक्शन दे? शिकार का एक थंब रूल होता है, बकरी को तब तक सामने रखो जब तक शेर ना आ जाए। हमें सिर्फ पाटिल पर नजर रखनी है, गब्बर अपने आप हाथ में आ जाएगा। पाटिल को मरना होगा। बॉडीज ने अपने फार्म हाउस में रखी है और सिक्योरिटी का वहां अच्छा इंतजाम है सर। सर दिग्विजय पाटिल का शेड्यूल मिल गया है सर, कल उसका बर्थडे है। इतना आसान नहीं है पाटिल को पकड़ना सर, हमारी आधी से ज्यादा टीम तो पुलिस के हिरासत में है। उसके अपने लोग होंगे और पुलिस भी, मिनिस्टर्स, एमपीस, एमएलएस, बिजनेसमैन और भी बहुत जाने माने लोग होंगे, लेकिन हमें इंतजार रहेगा सिर्फ एक इंसान का, गब्बर। ये लेकिन अभी तक इस किडनैपिंग के बारे में कोई खबर नहीं मिली। आखिर क्या वजह हो सकती है दिग्विजय पाटिल की किडनैपिंग की? और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह पूरी पुलिस फोर्स दिग्विजय पाटिल को ढूंढने में जुटी हुई है। शेम ऑन अस, हमारी आंखों के सामने से उठा के लेके चला गया। सावंत सब, किसी न किसी को तो पता होगा उसका हाइड आउट, पता करो उनसे। सर व्हाट? क्या है? आई एम द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द अरेस्टेड गवर्नमेंट ऑफिसर। सो वी हैव परमिशन मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए, और उनके रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं। सर मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए। कैन वी गो सी देम नाउ? वेल डन सर, ऐसे इनोसेंट लोगों को अरेस्ट करके बहुत बड़ा काम किया है आपने। व्हाट? इनोसेंट? इनोसेंट माय फुट, सीरियल ऑफेंडर्स हैं सबके सब। गब्बर के साथ मिलके मर्डर्स किए हैं ऑल ऑफ देम। इनोसेंट एंड आई नो गब्बर हैज कैप्ट दिग्विजय पाटिल एंड इज गोना किल हिम। Bloody criminals. Go away. Sir, ACP चंद्रकांत की वाइफ है। आप
आपके पति को गब्बर ने मारा है मैम। He killed your husband, his father. इसको बताइए कि हमें बता दे कि वो कहां छुप सकता है, कौन कौन से ठिकाने हैं उसके। आपके पति और उसके बाप की मौत की जिम्मेदारी आप पर होगी। गोविंद, अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताया तो समझ लेना तुम्हारी मां भी मर गई। मैम, आप एक पुलिस वाले की बीवी होके एक क्रिमिनल का साथ दे रही है? हा? I don't get this. Why? Who is this Gabbar? Why is a criminal getting so much affection? क्योंकि कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। सॉरी, द पुलिस नीड्स टू अरेस्ट द करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड देन द कोर्ट्स नीड टू पनिश देम। अगर कानून से कुछ नहीं हो रहा है तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो तुम्हें लगता है जो गब्बर कर रहा है वो कानूनन सही है? सर, सोसाइटी क्रिमिनल्स के कुछ करने से बर्बाद नहीं होती, सोसाइटी तबाह होती है एक केपेबल आदमी के कुछ ना करने से। Gabbar is a good man. Gabbar is capable of doing something for us. You know him, don't you? तुम जानती हो इस Gabbar को? मैं उस वजह को जानती हूँ जिससे एक आम आदमी Gabbar बना है।